नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्लॉग्स टू मेक थिंक में। हम दिनों दिन अपनी सांस्कृतिक विरासतों को भूलते जा रहे हैं और विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, इसलिए ब्लॉग्स टू मेक थिंक ने आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत की है, जिससे हम अपनी सांस्कृतिक विरासतों से जुड़ी चीजों को जो कि विलुप्ति की कगार पर है उसके विषय में चर्चा करेंगे, ताकि नई पीढ़ी उसके विषय में ज्ञान प्राप्त कर सके। यदि आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जिस पे चर्चा आवश्यक हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। पत्तल में खाना हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा रहा है, परंतु आज की आधुनिकता में पत्तल में खाने में लोग असहज हो जाते हैं और उसे तुच्छ समझते हैं। परंतु यदि यही पत्तल दोनों में कोई रेस्टोरेंट या महंगे होटलों में खाना परोसा जाए तो असहजता और तुच्छता की भावना मानो गुमसी हो जाती है। हमारे देश में वनस्पति विज्ञान काफी विस्तृत है, इसलिए प्राचीन काल से ही हम पत्तलों का उपयोग भोजन परोसने के लिए करते आ रहे हैं। हमारे देश में 2000 से भी अधिक वनस्पतियों की पत्तियों से पत्तलों का निर्माण किया जाता है। इन पत्तलों और उनसे होने वाले लाभों के विषय में पारंपरिक चिकित्सीय ज्ञान उपलब्ध है, परंतु हम केवल स्थानीय उपलब्धता के आधार पर उपस्थित वनस्पति का उपयोग ही कर रहे हैं। उसमें केले, आम, पलाश, खाकरा, करंज प्रमुख हैं। यदि हम शास्त्रों की माने तो पलाश के पत्तल में भोजन करने एवं कराने से स्वर्ण के बर्तन में भोजन करने व कराने का पुण्य और आरोग्य मिलता है, और यदि हम केले के विषय में चर्चा करें तो केले के पत्तल में चांदी के बर्तन के समान पुण्य एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। कई बीमारियों में तो पत्तल में भोजन करने पर रोगों में सुधार आता है, जैसे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए एवं रक्त की अशुद्धता के कारण होने वाली बीमारियों से बचने के लिए पलाश के पत्तल का उपयोग किया जाता है। सफेद फूलों वाले पलाश से तैयार पत्तल पाइल्स रोगियों के लिए उपयोगी है। जोड़ों के दर्द के लिए करंज व लकवा के लिए अमलतास की पत्तियां उपयोगी होती हैं। पत्तलों के अन्य लाभों की चर्चा की जाए तो इसका एक जैविक लाभ भी है, जैसे इसका उपयोग के बाद यदि मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो खाद का निर्माण होगा। जैविक सामग्री से मिट्टी उपजाऊ होगी और केमिकल का उपयोग कम होगा। अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे जो ऑक्सीजन भी देंगे और जिससे प्रदूषण भी कम होगा। अनगिनत फायदों के विपरीत आज पत्तलों को आधुनिकता की मार झेलनी पड़ रही है। थर्माकोल और प्लास्टिक के पत्तलों ने पत्तों से बनी पत्तल को उसकी जगह से धीरे धीरे बेदखल कर दिया है। बुफे पार्टियों का प्रचलन बढ़ने की वजह से पत्तल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। खासकर शहरी क्षेत्रों में पत्तल पर भोजन करने की परंपरा दम तोड़ते नजर आ रही है। आपके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में भले ही सदियों पुरानी परंपरा बदल रही हो, परंतु विदेशी इसे बड़े चाव से अपना रहे हैं। खासकर यूरोप के प्रमुख जर्मनी में तो पत्तल पर भोजन करने की परंपरा काफी लोकप्रिय हो रही है, और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इसका प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, और इसकी देखा देखी में दूसरे यूरोपीय देश भी पत्तलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसकी व्यापारिक चर्चा यदि की जाए तो विदेशों में इसका व्यापार काफी फूल फल रहा है। इसके विपरीत भारत में यह व्यापार तेजी से घट रहा है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग इसके कारण तेजी से कम हुए हैं। पश्चिम बंगाल में तो शाल के पत्तों से बनी पत्तल का कारोबार करने वालों ने सरकार से उद्योग को बचाने की मांग की है, तथा कारोबारियों की दलील है कि सरकार जूट के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। वैसे ही पत्तल उद्योग को भी बचाने और बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग करना बंद कर देंगे तो आधुनिकता की मार से सदियों पुरानी परंपरा अपने ही घर में दम तोड़ देगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें,
ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके।